हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चावल का पुआ बनाने की रेसिपी। देख सकते हैं कितना फूला फूला है, बिल्कुल इसी तरह से आपका बनेगा। और ज़्यादा पुए में तेल ना जाए उसका मैं टिप्स भी बताऊंगी, जैसे कि ज़्यादा तेल पुआ में जैसे लगता है उस तरह से तेल बिल्कुल नहीं लगेगा मेरे तरीके से बनाएंगे तो। और इसके अंदर देख सकते हैं बिल्कुल ही पतला सा है अंदर से, कितना सॉफ्ट है। मैं इसको तोड़ कर दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपका भी पुआ परफेक्ट बनेगा मेज़रमेंट अगर सही लेंगे तो। अंदर देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, मोटा सा कुछ भी नहीं है, पतला पतला है। तो हमने अरवा चावल लिया हुआ है जो नॉर्मल खीर बनाने के लिए यूज होता है। तो देख सकते हैं ये नया वाला चावल है, 1.5 कटोरी हमने लिया है। इससे पुआ बहुत ही अच्छा बनता है। और इससे अगर चावल आप बनाएंगे ना तो ये चावल उतना खिला खिला नहीं बनता है, ये नया चावल है इसलिए। इसमें हम पानी डाल देते हैं और धो करके अच्छी तरह से इसको रात भर भीगने के लिए छोड़ देते हैं। जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी से हम चीनी ले रहे हैं। तो 1 कटोरी हमने चीनी लिया हुआ है, इसमें हम 1/2 कटोरी पानी डाल देते हैं। इसको आप चाहें तो फूलने के लिए छोड़ सकते हैं और चम्मच से घोल बना सकते हैं, घुल जाता है बहुत आसानी से। और इधर हमने 10-12 घंटा तक चावल को फूलने के लिए छोड़ दिया था। इसको अच्छी तरह से हमने धो करके, इस तरह से पानी भी है देख सकते हैं अंदर, इसको हमने छाना नहीं है, इसका पेस्ट बनाना है। आप चाहें तो इसको ड्राई सुखा करके आप पाउडर भी बना सकते हैं। तो इसमें हमने मिक्सी का जार में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी हम लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना कि इसका पेस्ट बन जाए, अच्छी तरह से पिस जाए। चावल का आटा किस तरह से बनाया जाता है आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं, उसमें आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं ये चावल का पुआ। तो देख सकते हैं कितना फाइन हमने पीस लिया है। और इसी तरह से हम सभी चावल को पीस लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा पीस गया है, इसमें ज़्यादा पानी ना डालें वरना फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा, तो इसलिए जितना कम हो सके उतना पानी डालें। तो हमने सभी को इस तरह से पीस लिया है। ये चीनी देख सकते हैं, इसको आप चाहें तो चम्मच से घोल सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में इसको डालकर गरम कर रही हूँ। ये मैं किस लिए गरम कर रही हूँ मैं आगे बताऊँगी। तो हमने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है। चीनी में थोड़ा गंदगी जो रहता है ना वैसे गर्म करने से निकल जाता है। गंदगी को साफ़ करने के लिए ये झाग जैसा दिख रहा है, बॉयल हो गया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच इसमें नींबू का रस डालेंगे, या आपके पास दूध है तो कच्चा दूध डाल दें 1 चम्मच, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, झाग अलग हो जाएगा और साफ़ दिखने लगेगा। देख सकते हैं हमने इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और ये देख सकते हैं एक तरफ होता जा रहा है। इसी तरह से हम झाग को अलग कर लेंगे, निकाल कर फेंक देंगे। ये गंदगी देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है, इस तरह से ये हमारा चीनी साफ़ हो जाता है। तो आप जिस तरह से आपको घोल तैयार करके अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, या इस तरह से गर्म करके आप डाल सकते हैं। चीनी घुल गया है और गैस को हमने बंद कर दिया है और गरम ही हम इसमें डाल रहे हैं चावल का बैटर में, और सभी चाशनी को हम डाल देते हैं। ये चाशनी पतला गाढ़ा ऐसा कुछ नहीं किया है हमने, बस चीनी को घुलने तक पकाया है और चीनी की गंदगी को साफ किया है। तो सभी को इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे, आप चाहें तो आधा आप चावल का आटा डालें आधा गेहूँ का आटा डालें, लेकिन हम 1 कटोरी गेहूं का आटा ले रहे हैं इसमें, 2 कटोरी चावल के लिए। थोड़ा थोड़ा हम आटे को डालते हैं और चम्मच से हिलाते जा रहे हैं, चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, इस तरह से गुठलियां नहीं इसमें पड़ेंगी। और इसी तरह से हम आराम से मिक्स कर ले रहे हैं, ये देख सकते हैं हल्का हल्का गुठली दिख रहा है। तो इस तरह से मिक्स करते हुए आराम से ये सारा गुठली ख़त्म हो जाएगा। अब हम सभी को डाल देते हैं एक ही बार में और मिक्स कर लेते हैं। इसमें और हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी हमने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि गर्म ही हमने इसमें चाशनी का यूज किया है तो पानी भी हम गर्म ही यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो ठंडा यूज कर सकते हैं। अगर आप ठंडा पानी यूज़ कर रहे हों
तो आप 2 घंटे के लिए इसको फूलने के लिए छोड़ देंगे तो पुआ बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हम गर्म पानी में इस तरह से डाल रहे हैं, हाफ कटोरी और हमने पानी लिया और गर्म कर लिया है, और कितना पानी लगेगा वो हम लास्ट में आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं ये गुठली ख़त्म हो गया है और गाढ़ा सा थिक सा हो गया है, और थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें डालते हुए मिक्स करेंगे। बैटर हम दिखाएंगे किस तरह से पुए का होना चाहिए, परफेक्ट बैटर, जिससे कि मोटी सी ना बने और अच्छा से फूला फूला बने और परफेक्ट बने। ये झारखंड और बिहार की फेमस रेसिपी है, राइस पुआ या सूजी का भी पुआ बनता है। तो ये अभी काफ़ी थिक लग रहा है, थोड़ा और हम पानी इसमें ऐड करेंगे। ये बनाने में बहुत इजी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। और देख सकते हैं ये 3 हिस्सा में एक हिस्सा हमने चीनी डाला है, ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो ज़्यादा डाल सकते हैं। ये परफेक्ट बैटर देख सकते हैं हमारा ये तैयार हो गया है। पूरा पानी हमने 1.5 कटोरी लिया है, ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम पुआ ऐड करते हैं। तो ऑयल हमने डाला था उस टाइम तो हम आपको नहीं दिखाने पाए, उसमें अगर ऑयल गरम हो जाता है उसके बाद आप 4 से 5 बूंद नींबू का जूस डाल दें, उससे पुए में जो ऑयल जाता है वो ऑयल नहीं जाएगा, कम ऑयल खींचता है। तो ये ट्रिक आप अपना कर ज़रूर देखें। देख सकते हैं अपने आप ये ऊपर फूलने लगा है। बैटर एक ही जगह रख कर डालें, इधर उधर हाथ ना हिलाएं, वरना गोल पुआ नहीं बनेगा। ये देख सकते हैं हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है और ये अपने आप ऊपर की तरफ आया है। और इस तरह से आप अंदर की तरफ करते जाएं, ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। दबाते जाएं अंदर की तरफ धीरे धीरे और चलाते जाएं। पुआ डालने के बाद फ्लेम को आप लो कर दें, मीडियम टू लो पर रखें, और पूरा पुआ इसी तरह से बनाएं। अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। अगर पुआ आपका अंदर से मोटा सा है तो समझिए कि आपका बैटर बहुत थिक है, उसमें पानी डालने की ज़रूरत है। तो इस तरह से उलटते पलटते आप सेक लें। और अगर पुआ सिकुड़ जाता है डालने के बाद तो समझें कि आपका फ्लेम हाई है और ज़्यादा ऑयल गरम है, तो ऑयल को कम गरम करें, उसको मतलब स्लो कर दें आँच को, तो आपका परफेक्ट पुआ बनेगा। तो हमने इसको निकाल लिया है, दूसरी बार हम आपको डालकर दिखाते हैं किस तरह से डालेंगे। तो एक ही जगह चम्मच इस तरह से रख कर आप डालें, और ज़्यादा ऊँचाई से ना डालें, तेल से थोड़ा सा ऊपर से डालें। तो इस तरह से गोल अपने आप पुआ बन जाएगा, फैलाने का ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से ऊपर की तरफ ये अपने आप आ जाता है। और जब ऊपर आ जाए तब कलछी हो या किसी चीज़ जाली हो, इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ आप चलाएं, और इस तरह से तो आपका पुआ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। मैं पास से दिखा रही हूँ, इसी तरह से उलट पलट कर आप सेक लें। हमने गेहूं का आटा यूज किया है पुए के लिए, और इसमें आप चाहें तो मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने सभी को बना लिया है, ये देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पुआ बनकर तैयार हुआ है, और सारे पुए हमारे बन गए हैं। मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ और तोड़कर मैं दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट पुआ बना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये दोनों तरफ से, और सभी पुए इसी तरह से हमारे बने हैं। ये गरम गरम आप सब्जी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं पुआ हमारे बिल्कुल ही मोटे से नहीं है, और ऑयल भी इसके अंदर कम है। ऐसे देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है पुए में। तो आप ये ट्रिक ज़रूर आजमा कर देखें, जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो तो पुआ डालने के पहले आप नींबू का रस डाल दें, 4-5 बूंद डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना से ही आपका पुआ बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। कमेंट कीजिए हमारा बनाने का तरीका, राइस पुआ आपको कैसा लगा, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।